हाय गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज के इस नए गैजेट्स के एपिसोड में, जिसमें आपको रॉकेट से लेकर अजीब सा दिखने वाला हेडसेट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर मौजूद है जिसे आप अपने रिस्ट पर पहन सकते हैं। तो ऐसे ही और अनोखे गैजेट्स मौजूद हैं इस वीडियो में, जिनमें से कुछ गैजेट्स तो आपको अमेज़न पर भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा आखिर तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एवरीडे नाइफ। दोस्तों, नाइफ एक ऐसी चीज होती है जिससे हम बड़े बड़े चीजों को बड़े ही आसानी से काट सकते हैं, लेकिन जितना नाइफ चीजों को काटने में मदद करती है उतना ही उसका साइज भी बड़ा होता है, जिससे कि उन नाइफ्स को अपने साथ कैंपिंग पर कैरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप कैंपिंग वगैरह पर जाते हैं तो आपके लिए पेश है एवरीडे नाइफ, जिसे हम अपनी लिस्ट में इसके साइज को देख कर ही ऐड किए हैं। वैसे गाइस, ये नाइफ साइज में तो भले ही छोटी है, लेकिन इसके शार्पनेस का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें लगा हुआ ब्लेड काफी ज्यादा शार्प होता है, जिससे आप रस्सी, बॉक्स, पर और भी काफी सारी चीजों को काट सकते हैं। और हाँ गाइस, ये नाइफ आती है फोल्डेबल फीचर के साथ, जो कि सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको नाइफ की जरूरत होगी तो आपको बस इस नाइफ के अपर सेक्शन में स्लाइड डाउन करना होगा, जिसके बाद नाइफ इंस्टेंटली बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह से। और इस नाइफ में आपको कुल मिलाकर 12 और डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, जिसे आप सिंपल वे में रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स, आपको ये नाइफ कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। वेस्टा क्लिप। तो गाइस, मिलिए वेस्टा क्लिप से, जो अभी कुछ महीनों पहले ही लॉन्च हुआ है, जो ट्रेडिशनल पॉप सॉकेट्स और मोबाइल फोन होल्डर्स को आराम से टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए उन फीचर्स को देख लेते हैं। तो गाइस, इसे आप अपने स्मार्टफोन पर स्टिक करके स्मार्टफोन को होल्ड कर सकते हैं, साथ ही उस क्लिप को ओपन करके लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट एंगल में स्मार्टफोन को रख सकते हैं। वैसे इस क्लिप का और भी एक फायदा है, जो कि है स्मार्टफोन को गिरने से प्रोटेक्ट करना। साथ ही आप अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से अपने पैंट में या फिर बैग में हुक कर सकते हैं। और बात की जाए इसके डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी की, तो ये वेस्टा क्लिप बना है मेटल और नायलॉन मटेरियल से, जो नीचे गिरने पर बिल्कुल भी नहीं टूटता। बस इतना ही। सर्वो L9। गाइस, स्क्रीन पर दिख रहा अजीब सा गैजेट आपको क्या लग रहा है? आपका कहना होगा शायद ब्लूटूथ हेडसेट, बट अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहा प्रोडक्ट मिनी मोबाइल फोन भी है, साथ ही ब्लूटूथ हेडसेट भी है। जी हाँ, वैसे देखने में तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, वही तो इसकी खास बात होती है। खैर, तो ये मिनी फोन सपोर्ट करता है सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को, और इसमें लगे हुए स्पीकर्स HD वॉइस को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे कि ये होगा कि आप इसमें इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करके इजीली बात कर पाएंगे। और बात की जाए इसकी वेट और कम्फर्टनेस की, तो ये हेडसेट आता है बहुत ही कम वेट में, जिसे पहनकर रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ चुका है तो आप इसे 2100 रुपीज में डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेस कर सकते हो। रोगेती। दोस्तों, रोगेती नाम का ये प्रोडक्ट GoPro ओनर्स को काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को स्पेशली GoPro कैमरे के लिए ही बनाया गया है, जो होता है एक ट्राइपॉड और बॉटल माउंट, जो आता है दो मॉडल्स और चार थ्रेड्स के साथ, जिसे यूज करना काफी सिंपल होता है। तो आपको बस एक खाली बॉटल लेनी है और उसके कैप की जगह उन दोनों माउंट्स में से किसी भी माउंट को लेकर उस बॉटल में कैप की तरह लगाना है, जिसके बाद आप उसमें अपने GoPro को अटैच करके अपने शूट को बरकरार रख सकते हैं। साथ ही इस माउंट को बॉटल पर लगाने से फायदा ये होगा कि अगर GoPro आपके हाथ से छूट कर गहरे से गहरे पानी गिर जाएगा तो भी ये डूबेगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि खाली बॉटल कभी भी डूबती नहीं। और आप इस माउंट को अपने ट्राइपॉड और गोरिल्ला पॉड में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये माउंट पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। स्पीकर बैंड। गाइस, यूजुअली जो ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं वो होते हैं पोर्टेबल, मींस उन्हें हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बट उन्हें आखिरकार रखना होता है सरफेस पर। लेकिन क्या होगा अगर स्पीकर ही आपके हाथ में बांधा हो? तो जाहिर सी बात है काफी मजा आएगा। तो मिली है शानदार स्पीकर बैंड से, जिसे बिल्कुल एक वॉच के डिजाइन ही दिया गया है, जो किसी को भी देखने पर मजबूर कर देता है। वैसे गाइस, इसे यूज करना होता है बेहद आसान, बस आपको इसे अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए आपस में कनेक्ट करके गानों को प्ले कर देना होगा, जिसके बाद उस स्पीकर में से आपको हाई क्वालिटी में गानों का आउटपुट मिलेगा। साथ ही आप इस स्पीकर के बैंड को डिटैच भी आसानी से कर सकते हैं और अपने बाइसिकल पर भी माउंट कर सकते हैं, जो कि काफी यूजफुल है। एयरहॉक्स रॉकेट।
गाइस जितने भी आरसी टॉयज होते हैं उन्हें यूज करने में अलग ही मजा होता है, क्योंकि आरसी टॉयज होते हैं बड़े ही कमाल के। वैसे क्या आपको रॉकेट को लॉन्च करना पसंद है? अगर हाँ तो मिली है एयरहॉक्स के द्वारा बनाया गया सोनिक रॉकेट से, जिसे सेटअप करना और लॉन्च करना काफी आसान होता है। तो आपको इसके बॉक्स में रॉकेट, चार्जिंग केबल और साथ ही साथ 3 अनअसेंबल्ड लॉन्च पैड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपको इस रॉकेट को चार्जिंग करना है और उसके बाद आपको लॉन्च पैड को असेंबल करना होगा कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद आप उस लॉन्च पैड को रॉकेट पर रखकर अपने अकॉर्डिंग हाइट को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आपका सोनिक रॉकेट कुछ ही सेकंड्स में लॉन्च हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये रॉकेट मैक्सिमम 200 फीट तक आसानी से हाइट जा सकता है। साथ ही आप इस रॉकेट को सिंगल चार्ज पर लगभग 50 बार लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आप टॉयज लवर हैं तो हमें बताइए वीडियो को लाइक करके। हीलियो तो मिली है 2-in-1 सोलर पावर्ड पावर बैंक और टॉर्च से, जिसमें आपको पावर बैंक भी मिलेगा और साथ ही साथ हाई इंटेंसिटी वाली टॉर्च, जो कि एडवेंचरस एक्टिविटी और इमरजेंसी में काफी हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि अगर आप जंगलों में कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलती, तो उस सिचुएशन के लिए ये डिवाइस बेहतर चॉइस हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको एक टॉर्च, एक लैटन देखने को मिलती है, जिसे ऑन करने के लिए आपको इसके साइड में बटन्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें लगे हुए पावर बैंक के आउटपुट को आप इसके फ्रंट सोलर पैनल से ही ले सकते हैं, मीन्स वहां पर पोर्ट्स मौजूद हैं जिसे आप यूएसबी केबल को प्लग इन करके अपने स्मार्टफोन को और छोटे मोटे डिवाइसेस इंक्लूडिंग आईफोन को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल काफी अच्छा गैजेट है। आउटलेरी दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसी चीज होती है जिसे यूं ही कहीं फेंक दे तो वो कई सालों तक वैसे का वैसा ही रहता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा पोल्यूशन की दिक्कत बढ़ जाती है। साथ ही प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म होने में लगभग 1000 साल लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। खैर तो मिली आउटलेरी प्रोडक्ट्स है, जिसे बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि है बस प्लास्टिक के चम्मचों को यूज ना करते हुए इस पोर्टेबल स्टील से बने हुए चम्मच का यूज करना, जो कि एक तरह से अच्छा ही है। वैसे अब जरा देख लेते हैं इसे यूज करने के बारे में। तो आपको इसमें रखे हुए चम्मच के पार्ट्स को बाहर निकाल कर उन्हें आपस में अटैच कर लेना होगा, जिसके बाद आप उन चम्मच का यूज कर पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर, जिससे कि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।